हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे अपने खेत पे देखिए फसल तैयार है, कटने को थी आज, लेकिन दरअसल बारिश हो जाने की वजह से थोड़ी सी फसल भीग गई थी। अभी से हार्वेस्टर आने वाला था, कटिंग करने के लिए मशीन से कटाई होने वाली थी इसकी, लेकिन क्योंकि थोड़ा सी इसकी जो बालियां हैं थोड़ी अभी गीली हैं और ये लग नहीं रहा कि सही से कटने की योग्य है। अभी कम से कम तो थोड़ा कुछ तो टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है कि आज शाम तक थोड़ी अच्छी खासी थोड़ा सा धूप ले ले, इससे थोड़ी सी कड़ी हो गई है, थोड़ा सा देखिए नरम जैसा ये बालियां अच्छे से छूटने दिया दाना गेहूं का। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे आने वाले हार्वेस्टर वाले कटिंग करने, लेकिन कटिंग करने का भी तैयार तो है नहीं फसल। बाकी तो बहुत फसलें गिर भी गई थी बारिश की वजह से, कुछ हद तक तो हमारी भगवान ने भी बचा रखी है, सही है, लेकिन अब आज कहाँ कटिंग हो पाएगी। कल मशीन से इसकी कटाई होगी, दिखाएंगे आपको लाइव वीडियो कैसे गेहूँ की फसल कटती है मशीन से हार्वेस्टर से। देखिए वहाँ तक है स्कूल के पीछे तक, वहाँ से उधर तक ये 3 बीघे के आसपास का प्लाट है जो गेहूँ की फसल अच्छी खासी है, तैयार हो रखी है, खड़ी है, भगवान ने बचा रखा। थोड़ा सा बारिश जबकि बहुत ज़्यादा हुई थी, उसके बावजूद भी फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। इधर देखिए थोड़ा सा मेरे बगल के लोगों की थोड़ी सी फसल हल्की फुल्की गिर चुकी है, लेकिन हमारी फसल तो अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कल कटेगी क्योंकि ये दाने छूटेंगे नहीं मशीन से, फिर फालतू का वही बालियाँ टूट के गिरेंगी, फसल बर्बाद होगी, तो रिस्क लेना कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो हमने उनसे फ़ोन करके बता दिया भैया आज नहीं, अब तो कल आइएगा आप शाम को, तो आपको दिखाते हैं कल की वीडियो। बाकी आप देख सकते हैं गेहूँ की फसल दोस्तों काफ़ी लाल आती हुई हवा की वजह से। ये दोस्तों किसानों की मेहनत जो यहाँ तक फसल पहुँची, रंग लाई है। हम उम्मीद करते हैं कि फसल अच्छी ही निकले, ताकि जो इस पे मेहनत करी गई है कम से कम वो सार्थक हो जाए, जिससे आप तक लोगों के यहाँ गेहूँ पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, ओके, फिर मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।